हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे व्हाट आर लाइक फ्रैक्शन एंड व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है या बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझ लेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक मतलब एक जैसे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन को याद रखो, लाइक फ्रैक्शन को बोल देते हैं लाइक डिनोमिनेटर्स, बस इसी से नाम चल जाता, ठीक है। वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे 3/7, 2/7, -3/7, 10/7, सबके डिनोमिनेटर 7 है, तो ये कैसे हो गए लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर अनलाइक होंगे, ठीक है। अनलाइक डिनोमिनेटर्स क्या हो सकता है? 2/8, 1/7, दोनों अनलाइक, ठीक है। बट अगर मैं तुम्हें एक पेयर दूंगी 5/20 एंड 1/4, ये लाइक है या अनलाइक है? अगर देखो तो ये 1/4 है, ये 5/20 है, इसका 4 है डिनोमिनेटर, इसका 20 है, तो ये देखने में तो अनलाइक कर रहे हैं, है ना। बट कभी भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसे अगर मैं कैंसिल करूं, 5 1 टाइम 5 4 टाइम्स, ये भी 1/4 हो गया, तो कैसे हो गए ये लाइक या इक्वली हो गई दोनों, एक जैसे तो हो गए। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ठीक है। तो कैंसिल करके देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं अपनी चॉइस से। एक और एग्जांपल लेते हैं, 20/90, 11/99, लाइक है या अनलाइक है? देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर हो गया तो अनलाइक हो गए, बट कैंसिल करने के बाद, ठीक है, कैंसिल करते हैं, 0 और 0 कैंसिल, ये तो हो गया 2/9। इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 11 1 टाइम 11 9 टाइम्स, ये हो गया 1/9। अब देखो इसका डिनोमिनेटर भी 9 है, इसका भी 9 है, तो दोनों कैसे हो गए लाइक, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस मींस लाइक डिनोमिनेटर्स, या फिर याद कर सकते हैं सेम डिनोमिनेटर्स। डन, आगे हमें सेम डिनोमिनेटर बनाना सीखना पड़ेगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि जो पेयर ऑफ फ्रैक्शंस हमें गिवन है ये लाइक है या अनलाइक है। लाइक होने के लिए कंडीशन क्या है? मैंने बताया सेम डिनोमिनेटर है तो लाइक है। 5/8, 7/8, ये भी 8, ये भी 8, तो आंसर हो गया लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका 21 है, कैंसिल करके देखें तो कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो ये हो गया अनलाइक। कैंसिल करके देखना है, अगर होता है तो पढ़ना है, ठीक है। 4/9, 9/4, 4 और 9 दोनों किसी भी नंबर से कट नहीं हो रहे हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये भी हो गया हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक वो है जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर्स। क्या करना है हमें? इनके डिनोमिनेटर्स सेम बनाने हैं। सेम बनाने मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़े थे ना, लाइक में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई काम करना है, एलसीएम लेके दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 और 9 का। 9 के टेबल में पहला वो नंबर है जो 6 के टेबल में भी आए, 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम्स 18, 18 का एलसीएम आ रहा है। ये हो गया 5/6 मल्टीप्लाई बाय कोई नंबर लेना है, 7/9 मल्टीप्लाई बाय कोई नंबर लेना है। क्या करना है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 18 बनाना है। 6 3 टाइम्स 18, तो 3 ऊपर नीचे, 9 2 टाइम्स 18, तो 2 ऊपर नीचे, ठीक है। ये तो हो गया 15/18 और ये हो गया 14/18। बस हमें यही करना था, हमें डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने थे। कैसे बना रहे हैं? एलसीएम लेकर। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। 2/3, 5/6, 7/12, क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, तो किसके एलसीएम लेना पड़ेगा? डिनोमिनेटर्स का। 3, 6 and 12 एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 times 12, 6 2 times 12, 12 1 times 4, ठीक है। तो ये तो हो गया 2/3, नेक्स्ट है 5/6 एंड लास्ट है 7/12। 12 का 12 बनाना है तो 1 से करना है, 3 का 12 बनाना है तो 4 से करना पड़ेगा, 6 का 12 बनाना है तो 2 से करना पड़ेगा। ये हो गया 8/12, 11 नंबर हो जाएगा 10/12 और ये हो गया 7/12। सबके डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने हैं। एलसीएम डायरेक्ट मैंने लिखा है, एलसीएम सॉल्व करके भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, 4/5, 17/20, 23/40, 11/16, क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर इक्वल बनाने हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा 5, 16, 20 एंड 40 का। कितना आता है देखो, मैं बड़े नंबर से डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, मैं निकालती हूँ एलसीएम अलग से, 20, 40। सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में सारे आते हैं या जो मैक्सिमम आ रहे हैं उनसे स्टार्ट कर रहे हैं, 5 एज इट इज 8, 10, 20। फिर टू से कर रही हूँ 5, 4, 5, 10। एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा, ठीक है। फिर टू से कर रहे हैं, 5 नहीं आता है, 2 times 4, 5 as it is, 2, 5 times। फिर से टू से कर रहे हैं 5, 1, 5, 5। लास्ट में 5 से कर लेते हैं, 5, 1, 9, 1 as it is, 5, 1, 9, 5, 1, 9। एलसीएम कितना आ गया, 5 into 2, 10, 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 10, 18। एलसीएम हमारे पास बन रहा है 80, दैट मीन्स 4/5 80 बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है 70/20, इसका डिनोमिनेटर भी 80 बनाना है। इसके बाद हमारे पास है 23/40, इसके लिए भी 80 बनाना है, और 11/16, इसके लिए भी 80 बनाना है, ठीक है। अब करते कैसे ही ऐसे, पहले करना है 5 के टेबल में 80 कब आते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स में से 5 हटा दो, तो ये जितने फैक्टर्स बाहर बच रहे हैं सारे मल्टीप्लाई में यहाँ आ सकते हैं, 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 16, तो 16 से ऊपर 16 से नीचे, ठीक है। नेक्स्ट अब करना है 20 के टेबल में 80 कब आते हैं, तो यहाँ से 20 हटाते हैं, 5 to 10, 10 into 20, तो बचे ये 4, ये 4 आ गया। अब है 40 के टेबल में 20 कब आता है, तो इसमें 40 हटाना है, 5 into 10, 10 into 20, 20 into 2, ये सब हटा देंगे, सिर्फ 2 बच रहा है, ये आ गया। अब बोला है 16 के टेबल में 80 कब आता है, तो यहां से 16 हटाना है, 2 multiplied by 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 16, क्या बचा, 5, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें टेबल करने में प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, 4 into 16, 64, 17 into 4, 68, टेबल आने के लिए 23 into 2, 46, ये हो गया 55/80। तो यही चार हमारे आंसर्स हैं फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर 80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या करना है, इस बार हमें न्यूमरेटर इक्वल बनाना है, पहले डिनोमिनेटर कर रहे थे, इस बार न्यूमरेटर कर, सेम मेथड है। अगर न्यूमरेटर बनाने हैं तो एलसीएम हमें न्यूमरेटर का लेना पड़ेगा, ठीक है। 8 और 12 का एलसीएम लेना है, यह आएगा 24, 12 के टेबल में पहला नंबर 12 होता है, दूसरा 24 होता है, और 8 के टेबल में 12 तो नहीं आता है, 24 आता है, ठीक है। तो जो पहला नंबर बड़े वाले टेबल में आता है वो हमारा एलसीएम होता है। करते हैं सॉल्व, 8 multiplied by what number gives 24, ऐसी ये वाला भी है, 12 multiplied by what number of this number gives 24। पहले हम डिनोमिनेटर लिख रहे थे ना, इस बार हमें न्यूमरेटर पता है कि न्यूमरेटर 24 है, सेम है, ठीक है। 8 into 3 यहाँ भी 3, 12 into 2 यहाँ भी 2, 9 into 3 27, 17 into 2 34, हमारा आंसर हो गया 24/27 and 24/34, ठीक है। डन, अब कर रहे हैं सेकेंड पार्ट, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 15 और 12 का, या तो एलसीएम ले लो या 15 का टेबल अगर मैं लिखूं, 15 1 time, 15 2 time 30, 3 time 45, 4 time 60, ठीक है। अब ये 6 के टेबल में नहीं आता है, ये आता है, ये नहीं आता है, ये आता है। फिर दूसरा हम देख रहे हैं 15 में सारे आ रहे हैं, 12 के टेबल में ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये आता है। तो वो पहला नंबर बड़े नंबर के टेबल में जो तीनों में आता है वो है 60, तो एलसीएम आ गया इसका 60। दैट मीन्स हमें सारे न्यूमरेटर 60 बनाने हैं, ये ध्यान रखना है क्या बनाना है, ठीक है। ये यहाँ से रख कर रही हूँ, न्यूमरेटर के सॉल्व कर रहे हैं सारा, ये पार्ट नहीं है। 6 multiplied करना है किस नंबर से, आंसर 60 आए, तो 10 से करना पड़ेगा। 15 को करना है किस नंबर से मल्टीप्लाई ताकि आंसर अगेन क्या आए, 60 आए, 4 से होता है। 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 60 आए, 500 को, जिससे ऊपर उसी से नीचे, ठीक है। ये हो
जीरो क्या बंद कर दी, 23 इंटू 4 कितना होगा, 4 3 12 92, 17 इंटू 5 57 ये हो जाएगा हमारे पास 85। तो हमारा आंसर है सेम न्यूमरेटर सबका आ रहा है 60 60 एंड 60। अब कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, अभी क्या करना है, न्यूमरेटर इक्वल करना है, न्यूमरेटर इक्वल करना है तो एलसीएम न्यूमरेटर्स का लेना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर इक्वल करना था तो एलसीएम डिनोमिनेटर का लेते हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स बहुत सारे हैं तो इनका एलसीएम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो अलग से निकालते हैं 9 15 25 और 45, ठीक है। मैक्सिमम 3 के लेवल में आ रहे हैं, 3 3 टाइम्स 3 5 टाइम्स 25 एज इट इज, 3 1 9 3 1 रिमेनिंग 15 हो गया, 3 5 टाइम 15। फिर से 3 से करते हैं, 3 1 टाइम 5 एज इट इज 25 एज इट इज 3 5 टाइम्स 15। 5 से करते हैं, 5 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम हो गया 5 टाइम्स। फिर से 5 से करते हैं, 1 1 1। एलसीएम में ये आ गया कितना आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 15 3 इंटू 5 15 15 इंटू 15 होता है 225। तो अब हमें क्या करना है, सबका न्यूमरेटर 225 बनाना है, ठीक है। नंबर सोचने हैं किससे मल्टीप्लाई किए जाए कि सबका न्यूमरेटर जो हो वो 225 बन जाए। स्टार्ट करते हैं, पहला हमारे पास है 15 अपॉन 19, तो 15 आंसर आते हैं, ये हट जाएगा, ठीक है, ये दोनों हट गए, 3 इंटू 5 15 बच रहा है, हमें 15 लिख लिया। नेक्स्ट है 25, ठीक है, यहाँ पे 15 आएगा। अब 25 से क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 225 आए, तो 25 हटाते हैं यहां से, ये हटाया, 3 इंटू 3 9 बच रहा है, लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट के लिए 9 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 225 आए, तो 9 हटाओ, 3 और 3 9 होते हैं, तो बचा 25। लास्ट कर रहे हैं 45 से कितना मल्टीप्लाई करें कि 225 आ जाए, तो इसमें से 45 हटाना पड़ेगा, 3 इंटू 3 9 9 इंटू 5 45, तो ये मीनिंग रह गया 5 5 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। अब सॉल्व करके आंसर लिखने हैं, न्यूमरेटर तो सबके पता ही है, 225 से सॉल्व किया है, तो ये हो गया 225 अपॉन, निकालना है 225 अपॉन 225 अपॉन 225 अपॉन। 19 इंटू 15 सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 285, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, सॉल्व करके देखना है, 28 इंटू 9 9 इंटू 8 72 7 कैरी, तो ये भी आएगा 252। 25 इंटू 11 25 1 टाइम 25 अगेन, तो 275 बनेगा। 47 इंटू 5 5 7 35, और ये हो जाएगा 23। तो ये हमारा आंसर है, सारे न्यूमरेटर इक्वल हमने बना दिए। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस बाय मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल। देखो अब क्या बोला है, क्वेश्चन समझना है सिंपल सा, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके कंपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, या तो न्यूमरेटर इक्वल करो या डिनोमिनेटर इक्वल करो, इसमें बोला है डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना, ठीक है, जिसे इक्वल करना है उसका एलसीएम लेते हैं। 5 और 9 कितना आएगा एलसीएम, 45, ठीक है, तो इन दोनों को 9 से, इन दोनों को 5 से, तो आंसर ये बन रहा है 18 अपॉन 45, और ये बन रहा है 20 अपॉन 45। कंपेयर करने का मेथड बहुत इजी होता है, ये दोनों सेम बनने के बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 20 बाय 45 बड़ा है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4/9 इज ग्रेटर। नेक्स्ट हमारे पास है 5/7 8/11, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम खुद निकाल सकते हैं, 7 और 11 का एलसीएम अगर हम करें तो आ जाएगा हमारे पास 77, ठीक है, 7 11 टाइम्स और 11 7 टाइम्स, ऊपर नीचे सेम नंबर से, ऐसे हम अलग से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया 35 अपॉन 77, और ये हो गया 56 अपॉन 77। अब कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, ये दोनों तो सेम है तो इन्हें तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट इनपे देखना है कौन सा बड़ा होता है, 56, ठीक है, तो हमारा आंसर इज 8/11 इज ग्रेटर देन 5/7। नेक्स्ट करना है 7/15 9/20, एलसीएम कितना आएगा 15 और 20 का, जिन्हें नहीं आता है वो प्रॉपरली निकाल दिया करो, और जिन्हें थोड़ा समझ आ रहा है मैंने पहले बताया था, बड़ा नंबर देखते हैं उसका टेबल पढ़ते हैं, पहला वो नंबर जो छोटे नंबर के टेबल में भी आता है, ठीक है,
20, 40, 60. 60 है दोनों में टेबल में आता है. 60 इसमें 3 टाइम्स आता है, इसमें 4 टाइम्स आता है. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 28 अपॉन 60 और ये आ जाएगा 27 अपॉन 60. नाउ व्हिच वन इज ग्रेटर, 27 और 28? 28 इज ग्रेटर. ये साइन इस साइड है तो ऊपर भी ये साइन इस साइड आएगा. ठीक है, 7 बाय 15 इज ग्रेटर देन 9 बाय 20. अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस बाय मेकिंग न्यूमरेटर्स इक्वल. क्या बोला है, क्या इक्वल बनाना है इस बार हमें? इस बार हमें बनाने हैं न्यूमरेटर्स इक्वल. जो इक्वल बनाने होते हैं हमें उसका एलसीएम लेना होता है. किसका एलसीएम लेना पड़ेगा? 2 और 4 का. कितना आता है? 4 आता है. ठीक है, ये तो ऑलरेडी 4 है, ये मैं कर देती हूँ. 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का 4 बनाना पड़ेगा. ये है 2 मल्टीप्लाई बाय एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में. ठीक है, ये पहला तो बन रहा है 4 बाय 9 और दूसरा बन रहा है 4 बाय 10. अब 4 बाय 9 और 4 बाय 10 में से कौन सा बड़ा है हमें ये देखना पड़ेगा. ये मैं बता रही हूँ कैसे कंपेयर करते हैं. देखो इसमें क्या है, 4 के 9 पार्ट्स करने हैं और इसमें एक 4 के 10 पार्ट्स करने हैं. ऐसे समझो एक चॉकलेट है उसके 9 पार्ट्स करने हैं, 9 से डिवाइड करना. एक चॉकलेट है उसके 10 पार्ट्स करने हैं, तो कौन से पार्ट्स बड़े होंगे ऐसे करना. ठीक है, तो जो पार्ट कम कर रहे हो वही बड़े होंगे. जितने कम लोगों को डिवाइड करोगे उतना ज्यादा ज्यादा मिलेगा. ठीक है, दैट मीन्स 4 बाय 9 इज ग्रेटर. तो ये साइन आ जाएगा यहाँ पे. या फिर ऐसा याद रख सकते हैं, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही नंबर बड़ा होता है. ठीक है, यहाँ ट्राई करते हैं. 5 और 8 एलसीएम आ जाएगा दोनों का 40. ठीक है, तो 5 बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 40 बनाने के लिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा 40 बनाने के लिए. क्या किया है, एलसीएम दिया है न्यूमरेटर्स का. तो ये तो हो गया 40 अपॉन कितना बन जाएगा 96. ठीक है, और ये बन रहा है 40 अपॉन 5 945 4 कैरी 95. अब पूछा है विच वन इज ग्रेटर. मैंने अभी बताया जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो इसमें 8 बाय 19 इज ग्रेटर. कैसे ग्रेटर है, ऐसे है यहाँ पे कोई है हमारे पास सामान, वो हमें 95 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो इस बार 96 में करना पड़े तो कम कम मिलेगा. ठीक है, तो 40 बाय 95 दैट मीन्स 8 बाय 19 इज ग्रेटर. नेक्स्ट कर रहे हैं विच इज लास्ट पार्ट. इसमें बोला है विच वन इज ग्रेटर, 5 बाय 7 और 9 बाय 14. इसमें से पता लगाने क्या बोला है, एलसीएम लेते हैं सबसे पहला काम. न्यूमरेटर के बोल रहे हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर के बोलते हैं तो डिनोमिनेटर का लेते हैं. ठीक है, तो 5 बाय 7 क्या बनाना है, 5 का 45, 9 बाय 14, 9 का क्या बनाना है 45. इसे 9 से करते हैं, इसे 5 से करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से. ठीक है, ये 45 और ये भी 45. डिनोमिनेटर देखते हैं इसका आ रहा है 17. तो आंसर विल बी 5 बाय 7 इज ग्रेटर देन 9 बाय 40. ये समझना है, ये आगे भी होगा. दो टाइप के क्वेश्चन है, एक होता है ये देखो 2 बाय 8 3 बाय 8 विच वन इज ग्रेटर. ये कब है, जब डिनोमिनेटर एक जैसा बनाते हैं तो जो बड़ा नंबर दिख रहा है वही बड़ा है. ठीक है, बट उल्टा अगर कर दें 5 बाय 7 एंड 5 बाय 3. अब 5 बाय 7 और 5 बाय 3 में न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा. ठीक है, याद रखना है डिनोमिनेटर जितना छोटा नंबर उतना बड़ा. नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में है कंपेयर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हमें नंबर्स कंपेयर करने हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कैसे करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स इसका डिनोमिनेटर इधर वाले के न्यूमरेटर के पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इसके पास. ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड ये हो गया 4 प्लस 5 या 4 मल्टीप्लाइड बाय 5. 2 इंटू 9 इज 18 एंड 4 इंटू 5 इज 20. नाउ व्हिच वन इज ग्रेटर, 20 इज ग्रेटर. अगर 20 ग्रेटर है तो आंसर हो जाएगा 4 बाय 9 इज ग्रेटर. ठीक है, सिंपल सा है, जिस साइड का बड़ा हो रहा है उसी साइड बड़ा एरर हो जाएगा. नेक्स्ट है 3 बाय 8 6 बाय 11 क्रॉस करते हैं, 3 के पास 11 आ जाएगा और 6 के पास 8 चला जाएगा. ये हो गया 33 और 6 इंटू 8 इज 48. 48 इज ग्रेटर, तो यहाँ एन की जगह हम लगा सकते हैं आंसर में, दिस नंबर इज ग्रेटर. ठीक है, नेक्स्ट
मल्टीप्लाइड बाई 21 क्रॉस ओके इसके पास, 11 मल्टीप्लाइड बाई 18 क्रॉस ओके इसके पास, ये कितना हो जाएगा 105। 11 इंटू 18 हो जाएगा 198। कौन सा बड़ा है? 198 बड़ा है। तो आंसर में लिख सकते हैं 11 बाय 21 इज ग्रेटर देन 5 बाय 18। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बाय मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल। क्या करना है? डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। जिसको इक्वल बनाने की बात करें उसका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, 4 और 5 का। नहीं आता है तो इस मेथड से निकालते हैं। वैसे डायरेक्ट 6 का टेबल देखना था, इसमें पहला नंबर जो इन सबके टेबल में आए, ठीक है। ये हो गया 3 1 time, 4 as it is, 5 as it is, 2, 2 times, 5 1, 2 1 1 5 1, 5 1 1 1 1। एलसीएम हमारे पास आ रहा है 60, ठीक है। दैट मीन्स सबको 60 बनाना है। करते हैं पे 1 by 3 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 by 5, 3 by 4 एंड 1 by 6। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 60 आए। 3 को करते हैं 20 से, ठीक है। नहीं आता तो यहां से 3 हाइड करो, ये बाकी बचा हुआ 20 है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 आए। यहां से 5 हटाओ, 2 into 4, 4 into 3, 12। ऊपर भी 12, नीचे भी 12, ठीक है। नेक्स्ट है 4 को किससे करेंगे? 4 हटाओ, ये नीचे 4 बना रहे हैं, 5 into 3, 15 बच रहा है, ठीक है। अब 6 को किससे करें? 6 का टेबल तो सबको आता ही है, 10 टाइम्स करेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बन रहा है आंसर? ये हो गया 20/60। नेक्स्ट हो गया 24/60। नेक्स्ट है 45/60 एंड लास्ट है 10/60। बोला है असेंडिंग ऑर्डर यानी एज वाला, सबसे छोटा पहले आएगा। कौन सा सबसे छोटा है? ये 10 सबसे छोटा है। 10 के बाद 20, 20 के बाद 24 और फिर 45, ठीक है। ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखो ऑर्डर में जब भी अरेंज करते हैं, अभी तो मैं लिख दी हूँ, पहला 10 है हमारे पास, दूसरा 20 है, फिर 24 है और फिर 45 है, अपॉन 60 सब में चल रहा है, ठीक है। बट जब भी हमें आंसर करना होता है, हमें आंसर करना होता है क्वेश्चन की फॉर्म, जैसा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में पहला है 1/6, इससे बड़ा है 20 वाला, दैट मीन्स 1/3, इससे बड़ा है 24 वाला, दैट मीन्स 2/5 और सबसे बड़ा है 3/4, ये हमारा आंसर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर है तो ओपन इस साइड से होगा कि बड़े की साइड हमेशा। अगर इससे कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे ओपन होता है, तो ये आगे जिस साइड ओपन है वो बड़ा है, ठीक है, ये वाला बिग होता है हमेशा, और जिस साइड छोटा बंद है वो स्मॉल है, ठीक है। अगर ऐसे भी लगा दूं तो बिग इधर आएगा, स्मॉल इधर आएगा, हमेशा यही होता है। जिस साइड बड़ा ओपन हो रहा है वो बिग साइड होती है, ठीक है। अब कर रहे हैं इसी का पार्ट सेकंड। इसमें हमें दिए हैं डिनोमिनेटर 6, 8, 10, 12, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 8, 10, 12 का, निकाल के देख लें। ये लिखा मैंने, ठीक है, ध्यान से देख लें। जिसे एलसीएम में अभी भी प्रॉब्लम है, प्राइम नंबर से करते हैं तो 2 से करा, 2 3 times 6, 2 4 times 8, 2 5 times 10, 2 6 times 12। दोबारा 2 से करते हैं, 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, एज इट इज, 2 2 times 4, 5 नहीं आता है, एज इट इज, 2 3 times 6, फिर 2 से करते हैं 3, एज इट इज, जो नहीं आता है वो एज इट इज होता रहता है, बाकी 2 से डिवाइड करके लिखना है, ठीक है। अब 3 से करते हैं 1 1, 5 नहीं आता है, 3 आता है 1 time। अब 5 से करते हैं 1 1 1 5, ऐसे कितना आ गया 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5। इजी करने के कभी मैं 2 और 5 एक साथ ले लें तो 10 आता है, बाकी 2 into 2, 4, 4 into 3, 12 एंड 10 बना रहे हैं 120, ठीक है। अब देखना है हमें एक एक नंबर के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। खुद देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आए, फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आए, 12 को तो 10 से करते हैं, ये तो इजी है, ये मैंने खुद ही लिख दिया, ठीक है। फिर 3 को किससे, फिर 10 को किससे करेंगे, भी इजी है, 12 मैंने खुद ही लिख देती हूँ। अब इसके लिए सोचते हैं 6 को किससे करें, 6 2 times 12 होता है तो 20 से कर रहे हैं। 8 को किससे करें, 8 को अगर देखो नहीं आता ना डायरेक्ट तो इसमें हटा दिया करो, 8 हटाना है तो ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, क्या बचा 15, तो 15 से ऊपर 15 से नीचे, ठीक है। अब देखना है क्या क्या वैल्यूज आ रही है मल्टीप्लाई करके। डिनोमिनेटर तो सबके 120 आएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल बनाए हैं, तो 120 ही रहेंगे।
न्यूमरेटर देख रहे हैं कितने बन रहे, ठीक है, 5 × 20 = 100, 7 × 15, 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 7 + 3 = 10, 11 × 10 = 110, 3 × 12 = 36. अब लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा है 36, उससे बड़ा 100, उससे बड़ा 105 एंड सबसे बड़ा 110. तो ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले ये वाला नंबर आएगा 3/10, इससे ग्रेटर कौन सा है ये वाला, तो आ जाएगा इसके साथ 5/6, उससे बड़ा है 7/8 एंड देन सबसे बड़ा है 11/12. आंसर हमेशा इसी फॉर्म में आने चाहिए, ध्यान रखना है. अब कर रहे हैं इसी का लास्ट पार्ट, इस बार एलसीएम लेना है हमें 7, 8, 14, 21 का, ठीक है. कितना आ जाएगा एलसीएम 7, 8, 14 और 21 का, देखो 7 हमें क्या करना होता है, प्राइम नंबर से करना होता है, ठीक है. तो मैथड तो वही है, पहले 2 से करो फिर 3 से करो, बट 7 भी प्राइम नंबर है, इसको मैं 7 से कर रही हूँ. 1 × 8 = 2 × 3 × अब 2 से कर रही हूँ, 1, 4, 2 की जगह 1 आ जाएगा और 3 × 2, फिर से 2 से कर रही हूँ, 1, 2, 1, 3, फिर 2 से 1, 1, 1, 3 एंड लास्ट 3 से हो जाएगा, ठीक है. एलसीएम कितना आ रहा है 7 × 2 × 2 × 2 × 3, 7 × 8 = 56, 56 × 3, ये एलसीएम आ रहा है. 3 × 6 = 18, 1 carry, 3 × 5 = 15, 168, ठीक है. एलसीएम हमारा इन चारों पांचों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 168, यानी डिनोमिनेटर हर जगह हमें कितना चाहिए 168 चाहिए. अब कैसे बनेगा 168 ये ट्राई करना है. मैं यहाँ फ्रैक्शन लिखती जा रही हूँ, ये 5/7, नेक्स्ट है 3/8, देन वी हैव 9/14 एंड लास्ट वी हैव 20/21. जैसे कि मैंने अभी बताया था 7 का 168 बनाना है, तो इसमें से 7 हटाओ, कितना रह गया 2 × 2 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो 24 से ऊपर नीचे. नेक्स्ट 8 से करना है तो 8 हटाओ, 2 × 2 × 2 ये हट जाएंगे, तो 7 × 3 = 21 आ जाएगा, ठीक है. अब 14 हटाना है तो 7 × 2 = 14 होता है, क्या बचा 12 एंड लास्ट है 21 भी अभी किया है 8 से करें, ठीक है. अब देखो कितने आंसर्स बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करने हैं सारे फटाफट और आंसर्स मैच कर रहे हैं. 5 × 4 = 20, 5 × 10 = 120, ये हो गया 63, 9 × 12, 9 × 2 = 18, 1 carry, 9/9 and 110, 108, 20 × 8 = 160, ठीक है. तो सबसे छोटा है 63, उससे बड़ा है 108, उससे बड़ा है 120 और सबसे बड़ा है 160. आंसर होते हैं ये फ्रैक्शन जो ओरिजिनल होते हैं, ठीक है. पहला था 3/8, सेकंड हमारे पास है 9/14, नेक्स्ट हमारे पास है 5/7 एंड लास्ट हमारे पास है ये वाला विच इज 20/21. कौन सी फॉर्म है, असेंडिंग ऑर्डर है, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा सबसे बड़ा. अब कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय मेकिंग देयर न्यूमरेटर्स इक्वल. क्या करना है, एक तो ऑर्डर देखना है कि कौन सा लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. और क्या करना है इस बार न्यूमरेटर्स को इक्वल करना है. न्यूमरेटर्स को इक्वल करना मतलब एलसीएम किसका लेंगे, ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है. 1, 4, 5, 8 इनका एलसीएम लेना है, 40 होगा जो तीनों के टेबल में सबसे पहले आता है, ठीक है. क्या करना है, सारे न्यूमरेटर्स को 40 बनाना है, यही स्टेप हर बार कर रहे हैं, फिर याद रखना है, सबको सेम बनाना होगा, ठीक है. सबको 40 बनाने के लिए क्या क्या करना है वो देखते हैं. 5 8 × 40, यहां भी 8 48 हो जाएगा. 4 10 × 40, तो ये भी 10 से करते हैं, 40/150 बन रहा है. देन 8 5 times, तो दोनों 5 से कितना हो जाएगा, ये 40/45. देन 1 40 × 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40/120. अब हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है. तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, देखो न्यूमरेटर वाले में याद रखना है, सबसे बड़ा अगर निकालना है तो सबसे छोटे से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है. सबसे बड़ा ये है 45 है, क्योंकि इसके नीचे इसका डिनोमिनेटर 48, देन 120
एंड लास्ट इज 150। ऐसे अगर आपको 40 को डिवाइड करना है, सपोज 40 ट्रॉफीज है, 48 लोगों में करोगे, 150 लोगों में करोगे, 45 लोगों में करोगे, 120 में करोगे, किसमें सबसे ज्यादा मिलेगी? सबसे ज्यादा चांसेस है कि 45 लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो इनसे तो बेटर मिलेगी 120 से। 120 को हाफ करके तो और हाफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला हमारे पास है ये वाला, इसके अंदर लिखेंगे 8/9, डिसेंडिंग इज डिक्रीजिंग, ये बड़ा है। इसके बाद है 5/6, इसके बाद है 1/3 एंड लास्ट हमारे पास है 4/50। बस ये याद रखना है, इतने को डिवाइड करना है और इतने लोगों में करना है, जितने ज्यादा लोगों में डिवाइड करोगे उतना कम मिलेगा। अब करें इसका सेकेंड पार्ट, 3/7, 4/7, 5/9 एंड 8/11। क्या करना है, सबका न्यूमरेटर इक्वल करना है, तो एलसीएम कितना आएगा, 3, 4, 5, 8, ठीक है। एलसीएम डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है, निकाल के देख लेते हैं। 3, 4, 5, 8 का 2 से कर रहे हैं, 3 × 2, 5, 4, फिर 2 से कर रहे हैं, 3, 1, 5, 2, फिर 2 से कर रहे हैं, 3, 1, 5, 1, 3 से करते हैं, 1, 1, 5, 1 और 5 से करेंगे 1, 1, 1। तो एलसीएम इसका आ रहा है 5 × 2, 10, 2 × 2, 4, 4 × 3, 12, दैट मीन्स 120 आ रहा है। तो क्या करना है, सारे न्यूमरेटर्स को 120 हमें बनाना है, ठीक है। ये है 3/7, नेक्स्ट है 4/7, देन 5/9, लास्ट है 8/11, ठीक है। क्या करना है, सबको 120 बनाना है, न्यूमरेटर्स को इक्वल करना है, ये करना है सारा, ठीक है। 3 का 120 कब आएगा, तो इसे 40 से करेंगे, 3 4 times और 0 आ जाएगा, ठीक है, 8 to 80 हो गया। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 120 आए, 4 को 30 से करना पड़ेगा, ऊपर ही नीचे, ये हो गया 270। अब 5 के टेबल है 120, 5 हाइट करते हैं, 2 2 and 2 चल रहा है, ये 5 हाइट करो, बाकी सारा लिख सकते हैं, कितना आ रहा है, 2 × 2 × 2, 8 8 3 24, ठीक है। 5 4 ये तो पता ही है 120 आएगा, डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, 7 × 4 = 28, 2 carry 168। लास्ट है 8 के टेबल में 8 हाइट कर रहे हैं तो 15 बच रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये तो 120 है, ये हो गया 165। अब सबसे बड़ा नंबर वो होता है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है, तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये और फिर ये, दैट मीन्स 8/11 सबसे बड़ा है, इससे छोटा है 5/7, देन वी हैव 4/9 एंड लास्ट वी हैव 3/7। अब कर रहे हैं लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ध्यान से देखना है, जिसे अभी तक नहीं आया है उसकी चांस है। क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है न्यूमरेटर्स को इक्वल करके, अगर न्यूमरेटर्स इक्वल करने हैं दैट मीन्स हमें एलसीएम न्यूमरेटर्स का लेना है। 3, 6, 8 कितना आ जाएगा एलसीएम, नहीं आता तो पूरा निकाल दे, 1 × 2 × 8 as it is, 1, 1, 4, फिर 2 से कर रहे हैं, 1, 1, 2, 2, 1, 1, तो ये हो गया 24, ठीक है। नॉर्मली 8 का टेबल पढ़ोगे, 8, 16, 24, तो 24 पहला ऐसा नंबर है जो इसके टेबल में भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। अब क्या करना है, हमें सारे न्यूमरेटर्स को 24 बनाना है, पहले को, दूसरे को, ठीक है। खुद सोच रहे हैं किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 24 बने, 8 × 11 × 24, 3 × 5 × 24, ठीक है। 1 के टेबल में 24 टाइम्स ही आता है, ऊपर नीचे 24 लिखते हैं। 6 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, 8 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, 3 के टेबल में 8 टाइम्स आता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर बनाओ, इसका बन रहा है 240, 11 × 4, 44, 33 and 40। तो अब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहले, दूसरा हो गया ये, थर्ड ये वाला नंबर है एंड फोर्थ हो गया यह नंबर। लिखते हैं आंसर, फर्स्ट मीन्स 8/11, ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। इससे छोटा है 3/5, फिर इन दोनों से छोटा है 6/11 और इन तीनों से छोटा है 1/10, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, बस नंबर्स को रीड करने में प्रॉब्लम है कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है पहचानने में विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, ठीक है। दो केस होते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो, एक केस जैसे 3/10
7/10, तो इसमें न्यूमरेटर कंपेयर करना होगा, ठीक है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा, 7 बड़ा है तो बड़ा कौन सा हो गया न्यूमरेटर से, 7/10। दूसरा केस होता है हमारे पास जब न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, जैसे 30/11 और 30/10 ले लो, इजी हो जाएगा, और 30/5। अब पूछ रहे हैं विच वन इज ग्रेटर, दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। यहाँ जो 30 है वो 10 से डिवाइड हो रहा है, यानी 10 लोगों में डिवाइड हो रहा है ऐसा मान लो, और यहाँ जो 30 है वो 5 लोगों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर कम से डिवाइड करते हैं तो बड़ा आता है, तो 30/10 छोटा होगा 30/5 से। एक तो लर्न करने का तरीका ये रख लो सिंपल, कि इन्हें कंपेयर करोगे जो स्मॉल होगा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वही नंबर ग्रेटर होगा। और दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो, इससे और से कैंसिल करा 3 आ गया, 5 1 टाइम 5 6 टाइम 6 आ गया, 6 और ग्रेटर होगा, ठीक है। डिवाइड करके देख सकते हो या फिर जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होगा।